हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अन्नपूर्णा किचन। मैं हूँ गीता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोले भटूरे का एक कॉम्बो रेसिपी। मैंने इस रेसिपी को बहुत ही इजी प्रोसेस में बनाई है, आप भी इस प्रोसेस में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। छोले बनाने के लिए मैंने इस कटोरी में 1.5 कटोरी छोले को अच्छी तरह से धोकर 6 घंटे के लिए धोकर रख दी है। 6 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है, इसमें डालूँगी 1 टुकड़ी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और भीगी हुई छोले। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 3 से 4 व्हिसिल आने तक मैं इस गैस पर इसे चढ़ा लूँगी। 4 व्हिसिल आने के बाद छोले अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन ली है, इसमें डालूँगी 1/2 कप सूजी, ये पतला वाला सूजी है। फिर इसमें डालूँगी 3 चम्मच दही। अब हम सूजी और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से फूल सके इसलिए मैंने यहाँ इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी। 10 मिनट के बाद सूजी अच्छी तरह से दही में फूल चुकी है। फिर इसमें डालूंगी 2 कप मैदा। थोड़ी सी नमक। थोड़ी सी चीनी। 2 बड़े चम्मच तेल। थोड़ी सी खाने का सोडा। इस सारी चीज़ को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डोल बनाएंगे। अब डो रेडी हो चुकी है, इसे हम 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब हम छोले बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन ली चढ़ा ली है, इसमें डालूंगी 3 तेज़पत्ता, 1/2 साबुत जीरा, थोड़ी सी हींग, 1/2 बारीक कटी हुई प्याज। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, पेस्ट की हुई टमाटर। इस सारे मसाले को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक। एक चम्मच छोले मसाला। फिर इसमें डालूंगी बॉयल किए हुए छोले। इसमें से थोड़ी सी छोले को हम एक प्लेट पर निकाल ली है। पोटैटो मिक्सर में मिक्स करके फिर इसमें डाल दूंगी ताकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ा हो सके। फिर इसमें डालूंगी 1 बड़े चम्मच गरम मसाला। अब ये रेडी हो चुकी है छोले। फिर इसमें डालूंगी कटी हुई धनिया। अब हम भटूरे बनाएंगे। इस सारे डो की हम छोटी छोटी लोइयां बना ली है। इस सारे लोइयां को हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर मैं यहाँ पर इसका सर्कल शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो तेल लगाकर भी इसे बेल कर शेप दे सकते हैं। फिर इसे हम गरम तेल में तलेंगे। ये देखिए,
कितना अच्छी तरह से ये गुब्बारे जैसे भटूरे फूल चुकी है। अब हम एक एक करके सारे भटूरे को तलेंगे। ये देखिए एकदम ये परफेक्ट बन चुकी है, एकदम सॉफ्ट और जालीदार। अब हम छोले भटूरे सर्व करने चलेंगे। छोले में हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज, नींबू, और देखिए ये एकदम जालीदार बन चुकी है। अगर आज की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।